सो हेलो गाइस, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है शिबा इनू टोकन को लेके। तो गाइस, शिबा इनू को लेके बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स आई हैं। अपडेट्स ये आई हैं कि शिबा इनू कॉइन में यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है कि गाइस, शिबा इनू कॉइन के अंदर रेड बुल जैसी कंपनी जो है इसके साथ कोलैबोरेशन करने की सोच रही है और यहाँ पे शिबा इनू एज अ पेमेंट एक्सेप्ट हो सकता है रेड बुल के साथ। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं शिबा इनू को लेके। यहाँ पे 65 कंट्रीज के अंदर रेस्टोरेंट्स के अंदर शिबा इनू एज अ पेमेंट एक्सेप्ट होने की बात चल रही है। यहाँ पे शिबा इनू एज अ पेमेंट एक्सेप्ट हो सकता है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स के अंदर एज अ पेमेंट एक्सेप्ट होने की चांसेस है शिबा इनू की। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये भी एक न्यूज निकल के आई है। और यहाँ पे जो व्हेल्स हैं वो भी अभी डिप में है। शिबा इनू की जो रेंज चल रही है इस वक्त वो है करीब 1100 के आसपास या इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी आपके पास अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने शिबा इनू अगर बाय नहीं किया है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट है बहुत डिप के अंदर है। तो इससे डिप में मुझे लगता नहीं कि 1000 से नीचे शिबा इनू अभी जाएगा। ठीक है गाइस, तो 1000 की रेंज इसने अपने बना के रखी है, इससे नीचे नहीं जाएगा, यहां से ये अप ही जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपने बाय नहीं किया तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप यहां से बाय करते हैं तो अपना प्रॉफिट भी आप अच्छा बुक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पे शिबा इनू को आपको बताया कि रेड बुल के साथ कोलैबोरेशन की बात चल रही है और कभी भी आपको कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे वॉच कंपनी के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, टाइगो नाम से वॉच है वहां पे भारी कंपनी कोई। तो काफी अच्छे अच्छे टोकन, आई मीन ये जो शिबा इनू जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है और आने वाले टाइम पे हो सकता है ये आपको अमेजन जैसी कंपनीज और बड़ी बड़ी कंपनी पे एज अ पेमेंट शिबा इनू को एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक गाइस, तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपको पेशेंस रखना है और आने वाले टाइम पे शिबा इनू हो सकता है आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे। और वेल्स जो है यहाँ पे डिप में भी इस कॉइन को अभी भी इसको बाइंग कर रही है और यहाँ पे हालांकि बर्निंग चल रही है, पर बर्निंग अगर मैं बात करूं इतनी खास बर्निंग मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली है। जब तक अच्छी तादाद के अंदर बर्निंग आपको देखने को नहीं मिलती है, जब तक इस कॉइन्स का जो वैल्यू है वो इंक्रीज ही होगी, क्योंकि सप्लाई जो है ट्रिलियंस के अंदर है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, सप्लाई को कम करना भी बहुत जरूरी है। आप देखते हैं ये लोग अपनी ब्लॉकचेन जो है शिबारियम है वो ये लोग कब तक लॉन्च करते हैं। इनका कहना है कि बहुत जल्द आने वाली है, बट अभी तक उसके बारे में अभी कोई खास न्यूज नहीं आई है। पर उन्हें यहां पे ये भी कहा था कि हो सकता है कि इसमें एंड के मंथ में या बीच में आपको देखने को मिले बहुत जल्दी। ठीक है, उस पर काम चल रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर, देखते हैं कब तक आती है। हालांकि ब्लॉकचेन आने के बाद यहाँ पे यूटिलिटी जो है टोकन की और अच्छी बन जाती है, इस टोकन के अंदर और आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, आई मीन टू से पंप देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, इसके अलावा इनका एक स्टेबल कॉइन भी आने वाला है जो कि शी कॉइन है, जो कि इसको स्टेबल रखने में मेंटेन करेगा शिबा इनू की प्राइस को, वो भी देखते हैं कब तक आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें शिबा इनू की होने वाली है, अभी तो बहुत कुछ करने वाला है। देखते हैं इनकी ब्लॉकचेन कब आती है और नए नए टोकन जो है शिबा इनू की ब्लॉकचेन के साथ जोड़ेंगे, जो नए मीम कॉइन्स है इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे तो कुछ बात बनेगी गाइस। तो कुछ यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी और भी नए लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे प्राइस में पंप देखने को मिलता है तो लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और जब तक डिप होता है तो लोग पर इन्वेस्ट नहीं करते, ऐसा मैंने देखा जाता है। ठीक है, तो किसी भी कॉइन में हाइप क्रिएट करता है एकदम से, लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, जब आप डिप में हो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको प्रॉफिट होगा। हालांकि अपनी रिसर्च भी जरूर करें, बिकॉज दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस गाइस, आपको कभी भी नुकसान हो सकता है इन कॉइन्स के अंदर। ठीक है, और शिबा इनू भी मीम कॉइन है, हालांकि एक यूटिलिटी टोकन बन चुका है, काफी अच्छा कॉइन है, बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्सेप्ट कर रही है, कार जैसी कंपनीज शोरूम्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और रेस्टोरेंट इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ग्रोसरीज पे और वगैरह वगैरह, मतलब काफी जगह एज अ पेमेंट एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है गाइस, और अगर रेडबुल के साथ कोलैबोरेशन होता है इसका तो इसकी प्राइस के अंदर आपको अच्छा खासा पंप में सर्च देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत तगड़ा हो सकता है, बहुत तगड़ा काम कर सकता है रेडबुल। इसको यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल्स दोबारा बनते हुए देख सकती है अगर रेडबुल के साथ कोलैबोरेशन होता है। ठीक है गाइस, तो बहुत बड़ी कंपनी है, लेट्स सी, देखते हैं आने वाले टाइम पे, हो सकता है आपको कोको कोला जैसी कंपनी, पेप्सी जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी जो बिग ब्रांड्स हैं, ठीक है, ये भी शिबा इनू को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करें आने वाले टाइम पे, हो सकता है कुछ भी पॉसिबल है गाइस। ठीक है गाइस, क्रिप्टो की दुनिया में यहाँ पे कुछ भी चलता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो नेवर नो, एनीथिंग कैन बी हैपन इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। ठीक है गाइस, तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करा करो यार, सब्सक्राइब के बिना यार हमारा सपोर्ट कैसे चलेगा, आप लोग सपोर्ट दोगे जो भी तो हमारा चैनल चलेगा। ठीक है गाइस, आप लोग तो लोग वीडियो बनाते हैं और इतनी गर्मी इतनी हो रही है, देखो यार मुझे भी पसीना आने लगा है। ठीक है, क्योंकि यार मेरे रूम में क्या एसी नहीं है, कभी इतनी कमाई नहीं है कि यार एसी लगा लें। ठीक है, अभी तो यार विदाउट पंखा अगर मैं चलाऊंगा तो वॉइस रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी होगी नहीं। ठीक है, छर वॉट एवर, ये सब तो चलता रहेगा।
सो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज विकास।